सो हेड एगीज कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों अगर आपका बजट 30-35 हज़ार के आसपास है और आप इस प्राइस रेंज में कोई बेस्ट कैमरा सेंटर की स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हैं जिससे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एंड ब्लॉगिंग कर सकें, तो हम आपके लाए हैं 5 ऐसे पावरफुल स्मार्टफोन जिसमें आपको टॉप नॉच लेवल का कैमरे क्वालिटी के साथ साथ काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले एंड टॉप नॉच लेवल का परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो जोर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो को जोर से लास्ट तक देखें जिससे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एंड अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन सेलेक्ट कर पाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन है वो है iQOO 9 SE 5G। अगर आप कोई स्मार्टफोन कैमरे के साथ साथ एक गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप इसकी तरफ जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का ASRP स्टोर का भी सपोर्ट मिल जाता है। 4K तक का वीडियो इसमें आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके कैमरे में OIS का सपोर्ट है, साथ ही इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स भर भर देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.6 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 120 हर्ट्ज़ के फास्ट रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। इसके डिस्प्ले में आप HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का ट्रिपल एड प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इस चिपसेट से आप हैवी टू नॉर्मल गेमिंग आराम से कर सकते हैं। इसके आप YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग एंड कॉम्पिटेटिव गेमिंग भी आराम से कर सकते हैं। 8 5G बैंड तक इसमें आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। स्टोरेज टाइप की बात करें इसमें आपको UFS 3.1 एंड सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बात करते हैं इस फोन के बैटरी कैपेसिटी की। इसमें आपको 4700 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 66 वॉट का काफ़ी फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका 8128 का वेरिएंट आपको 32,999 रुपये का सस्ता पड़ जाएगा, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये आपको अंडर 30,000 आराम से पड़ सकता है। तो नंबर 4th पर जो स्मार्टफोन है वह लेटेस्ट OnePlus 10R। बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। फ्रंट में इसमें आपको 16 मेगापिक्सल के ASRP स्टोर देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें आपको Sony IMX766 का सेंसर यूज किया गया है। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.7 इंच का फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी जो कि 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। डिस्प्ले इसमें आपको नो डाउट काफी ओपी लेवल के देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करती है। 800,000 तक का इसमें आपको अंतुतु स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। बैटरी की बात करें इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 80 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका 8128 का वेरिएंट आपको सेल में 29,999 रुपये का आसपास पड़ जाएगा। तो लिस्ट में आगे बढ़ने से पड़े अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं नंबर 3 स्मार्टफोन की तरफ जो कि आता है गूगल की तरफ से, गूगल पिक्सल 6 से। इसमें आपको 12.2+12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड 8 मेगापिक्सल का ASRP स्टोर देखने के लिए मिल जाएगा। 4K तक के वीडियो आप इसमें 60fps में आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। OIS का सपोर्ट है एंड इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आता है रियल टोन। अगर आपको रियल टोन फीचर क्लिक करना चाहते हैं तो आप इससे भी वो कर सकते हैं। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.1 इंच का OLED स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी जो कि नॉर्मल 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। साथ ही इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं मिलता है, इसमें आपको गूगल की तरफ से आने वाला गूगल टेंसर चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसका अंतुतु स्कोर आपको 6,00,000 के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको इस फोन गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करना चाहता, ये फोन आपको हीटिंग के लिए थोड़ा इशू हो सकता है। 5 साल तक इसमें आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे एंड इसमें आपको 4410 mAh की बैटरी के साथ एक 18W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। नो डाउट इसमें आपको फास्ट चार्जर और एक्स्ट्रा ज़्यादा मिल सकता था। एंड फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका 6128 का वेरिएंट आपको 27,000 के आसपास पड़ जाएगा। तो नंबर 2 पर जो स्मार्टफोन है आप उसको कैमरा का किंग स्मार्टफोन भी कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको 12+12+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप एंड 16 मेगापिक्सल का ASRP स्टोर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके दोनों कैमरे से आप 4K तक के वीडियो आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। OIS का सपोर्ट है, काफ़ी सारे इसमें आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे स्लो मोड, पोर्ट्रेट मोड एंड सिंगल टेक जैसे फीचर्स आपको इसके कैमरा ऐप में देखने के लिए मिल जाएंगे। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD 2K एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें आपको विक्टर्स का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। इसमें आपको एक्जिनोस का 2100 देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 5nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। 7,00,000 के ऊपर इसका अंतुतु स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। स्टोरेज टाइप की बात करें इसमें आपको UFS 3.1 एंड LPDDR5 देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स मिल जाते हैं और सैमसंग की तरफ से आने वाला नॉक सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको इसमें दिया गया है। एंड फाइनली इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका 8128 का वेरिएंट आपको 34,999 रुपये का सस्ता पड़ जाएगा, बट सेल में आपको ये 30-32 हज़ार के रुपये में आराम से पड़ सकता है।
तो फाइनली हम आ चुके हैं नंबर वन स्मार्टफोन की तरफ, जो कि है आईफोन 11। माना कि ये फोन थोड़ा 3 साल पुराना है, बट अगर आप कोई कैमरे के लिए स्मार्टफोन देख रहे हैं तो आप इसकी तरफ ही जाएं। बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन की। इसमें आपको 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड 12 मेगापिक्सल का AI सेल्फी शूटर देखने के लिए मिल जाएगा। 4K तक के वीडियो इसमें आप 60 FPS में आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाइट में इसमें इसका कैमरा काफ़ी OP हो जाता है। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको 3100 mAh की बैटरी के साथ एक 25W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है। इसका 64GB वाला वेरिएंट आपको 35,999 के आसपास पड़ जाएगा, बट बैंक सेल में आपको ये 30-32,000 के आसपास आराम से मिल जाएगा। तो ये थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन, जो आपके 30,000 रेंज में कैमरा के लिए काफ़ी बेस्ट हो जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर से एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, जिससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और ज़्यादा कुछ नहीं, बाय बाय।